गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम रिव्यू करने वाले एक न्यू जनरेशन RC 390 को, एंड ये बहुत पावरफुल बीस्ट है। मैंने इसको ड्राइव किया है जो आप मेरे पहले वीडियो में देख सकते हो। सो आज रिव्यू करते हैं और बताते हैं इसमें क्या क्या नया है एंड क्या क्या खूबियाँ हैं। एज यू कैन सी ये माइटी बीस्ट, लाइक ये मोटो जीपी एडिशन में भी आती है, एंड ये नॉर्मल एडिशन है ऑरेंज वाला, एंड इस पर टिंटेड ब्लैक फ्रंट वाइजर दे दिया गया है जो बहुत मस्त दिखता है। एंड ये साइड इंडिकेटर हैं, एंड इसके मिरर में एक और चीज़ है जो हमारे नॉर्मल आरसीज में नहीं थी पहले भी, लाइक एक ये फोल्डेड है एकदम पास जब हम स्पीड जा रहे हैं, बट अगर लाइक इसको पूरा ओपन करके ये अपना ब्रॉड, सो मिरर हम दो मोड में यूज़ कर सकते हैं, अगर एकदम स्पीड मोड में यूज़ करना है या नॉर्मल। सो ये दो मोड हो गए, एंड टैंक कैपेसिटी है 15 का, एंड आई लव दिस थिंग। तो डिस्प्ले भी बहुत मस्त है, डे में वाइट रहता है एंड रात में ब्लैक। इसमें मोड्स हैं बहुत से, एंड ये बहुत ऑसम व्हीकल है एज़ कम्पेयर टू मैं ड्राइव करता हूँ 2014 वाला KTM RC 390 एंड कंपेयरिंग टू दिस। सो ये बहुत स्मूथ है, लाइक इसको ड्राइव करते समय इसका थ्रॉटल इतना स्मूथ होता है कि एक रफनेस नहीं है, जो मेरे में बहुत ज़्यादा रफनेस होती है। एंड परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा है, बट मेरे को 2014 मॉड पसंद है, तो आई एम मोर टूवर्ड्स इट। देखते हैं इसका जो लाइट है वो मोस्टली ड्यूक से रिलेटेड है। अब की सारी चेसी जो है लाइक ड्यूक वाले मोड में आने लगी है, दो पार्ट में डिवाइड वाली, एंड इस पर लाइक LEDs दी हुई है जो बहुत मस्त दिखती है यार, क्यूट, आई लविंग इट। एंड इंडिकेटर दिखाते हैं, सो ब्लिंकर्स यहाँ पे हैं जो बहुत अच्छा डिज़ाइन है। सो एज अ डिज़ाइन वाइज ये व्हीकल बहुत ऑसम है। अब थोड़ा रेव करके दिखाते हैं, सो यार मैं रिव्यू कर रहा हूँ दोनों KTM को। सो बोथ RC है, बट एक है 2014 की और एक है अभी का जनरेशन। सो जैसे इस जनरेशन को देखा जाए तो ये लाइट वेट है, लाइक ABS की बात किया जाए तो बेटर है, कॉर्नरिंग ABS है जो इसमें नहीं है। सो टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये आगे है, वो पीछे है, वो दादाजी है, ये अभी की जनरेशन है, बट आगे की चीज़ें दिखा। यू सी दिस ओल्ड स्कूल बाइक जिस पर ओल्ड डिस्प्ले मोड है, एंड उस पर है TFT, बट एक चीज़ है कि ये बिल्कुल रॉ है। जब पावर की बात आती है ना, इसका जो रॉ परफॉर्मेंस है वो इसको कहीं ना कहीं फेल कर देता है, जो बहुत ही लाइक मेरे को बहुत पसंद आया। ये मेरी बाइक इसलिए और पसंद है, बट इस पर सारे फीचर्स हैं, सब कुछ है, बट जब एक टाइम आता है जहाँ पे स्पीड की बात आती है, जो रॉ परफॉर्मेंस और वो एक्सेलरेशन की बात आती है ना, वो ये मिस करती है। जहाँ इसकी बात है बस थ्रॉटल देते ही ये ब्लास्ट कर देती है। आगे मैं हो सके तो आपको ड्रैग दिखाऊंगा दोनों का, एंड दोनों डिज़ाइन वाइज तो आप बताओ आपको क्या पसंद है। गाइस मुझे तो दोनों पसंद है, बट ये ज़्यादा पसंद है, अपना अपना ओपिनियन होता है, इनसे पूछते हैं आप लोग में से किसको कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद है, मतलब दोनों में से। लुक वाइज वो पुरानी वाली, बट फीचर वाइज नई वाली। सो लुक वाइज सब इस पर जा रहे हैं, एंड परफॉर्मेंस वाले उसमें जा रहे हैं, तो ठीक है। हाँ कंफर्टेबल ये ज़्यादा है, ये बैक पेन देती है जो ये नहीं देती, तो बहुत सी चीज़ें। अभी दोनों का रेव करके दिखाते हैं। ये अपना स्टॉक साउंड 100% स्टॉक सेक्सी DRL के साथ। हाँ लेट्स रोल एवरीथिंग। सो दिस बीस्ट इज फकिंग लाउड। हाँ इस पर साउंड सबका कंट्रोल किया गया है, बट ये बहुत लाउड है, एंड टेक्नोलॉजी वाइज इसमें सब कुछ है। अगर मोड की बात की जाए तो इसमें रेन मोड भी है, एंड चलो आपको सारे मोड्स दिखाते हैं। सो ये होते हैं मोड्स,
सो दिस बाइक इज़ हैविंग टर्न ऑफ मोड्स एंड सारे मोड्स के साथ इस पर लाइक जो TFT डिस्प्ले है वो ज़्यादा ही अच्छे से हमें सारी चीज़ें प्रूव करता है। एंड एक CA ABS है जो कॉर्नरिंग ABS होता है एंड MTC है ना, ट्रैक्शन कंट्रोल, बाकी सब तो ऑसम है। सो एज यू सीन एक छोटा रिव्यू, तो इस पर मैंने बस एक रफली बता दिया कि दोनों बाइक का परफॉर्मेंस कैसा है, दोनों में क्या खासियत है एंड टेक्नोलॉजी वाइज क्या है। एज़ 2014 जो पुराना मॉडल है BS3 है उस पर उतना टेक्नोलॉजी वाइज कुछ नहीं, बट वो रॉ है। अब न्यू जनरेशन में हमारे पास टेक्नोलॉजी है, रॉनेस तो नहीं रहा, वो एक स्मूथनेस है बट पावर है। सो कंटिन्यू कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू।